हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका किचन स्टूडियो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नवरात्रि में अष्टमी में भोग चढ़ाने के लिए काले चने की सब्ज़ी। काले चने की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इसको मेरी विधि से बना के देखिए, ज़रूर ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी बनेगी। यहाँ मैंने इस सब्ज़ी को बिना लहसुन और प्याज का यूज़ किए हुए बनाया है, और जैसे मैंने बनाया आपको हर एक चने के ऊपर अच्छे से मसाले लिपटे हुए मिलेंगे। ये बहुत ही जूसी और बहुत ही चटपटी है, आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपके घर में बच्चे आते हैं, कन्याएं आती हैं खाने के लिए, तो उनको तो और भी चटपटी लगेगी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने एक कप चना लिया था, काला चना, जिसको कि मैंने रात में ही अच्छे से धुल लिया था और इसे भिगो के छोड़ दिया था। सुबह मॉर्निंग में मैंने इसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसे पहले बॉईल करेंगे। तो हम इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र करते हैं। एक कप चना लिया था तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप इसमें पानी डाला है। यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ये पानी ही बाद में हमें ग्रेवी अच्छे से देगा और चने को बहुत ही सॉफ्ट रखेगा। तो इसमें मैंने चने के हिसाब से नमक डाल दिया है, लगभग 1/2 टेबल स्पून, और इसे कुकर को बंद कर देते हैं और इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। यहाँ पे फ्लेम हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे 1 सीटी आने तक हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे। जैसे ही 1 सीटी आ जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और 6 से 7 सीटी इसमें लाने देंगे। 6 से 7 सीटी आ गई है इसमें, अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसका हम स्टीम खुद से ही निकलने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक इसका स्टीम निकल रहा है तब तक हम और मसाले की तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है 3 चम्मच, धनिया पाउडर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, और यहाँ एक ख़ास मसाला मैंने लिया है, ये है छोले मसाला। छोले मसाला बिल्कुल भूलिएगा नहीं डालना, इससे इसका टेस्ट जो है वो दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने छोले मसाला यूज़ किया है। इन सारे मसालों में मैंने गर्म पानी डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि इसका अच्छे से फ्लेवर और बढ़ जाए गर्म पानी में। ये देखिए इसको मैंने ढक दिया है और साइड कर देते हैं, तब तक और मसाले यहाँ रेडी करते हैं। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च ली हुई है और बारीक कटे हुए अदरक लिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली हुई है, 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है काला नमक, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर लेंगे, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला लेंगे, इसके साथ ही थोड़ा सा हींग लेते हैं और काली मिर्च का पाउडर लेंगे। यहाँ जो मैंने चने बॉईल किए थे उसको भी अब एक बार खोल के हम लोग चेक कर लेते हैं कि अच्छे से बॉईल हुए हैं या नहीं। एक बार मैं इसको चला के देखती हूँ, इसे एक बार हाथ से दबा के मैश करके देखें। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मैश हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही हमें बॉईल हुए हैं। अब हम इसको साइड रख देते हैं, तब तक हम अपने मसाले रेडी करते हैं। तो कढ़ाई चढ़ाएंगे सबसे पहले गैस पे, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं और सरसों तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ये गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम जीरा डाल देंगे और जीरे को लगभग 20 से 30 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे, और जैसे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे हम हींग डाल देंगे, ये भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। तो यहाँ जो हमने मसाले रेडी किए थे उसको हम डाल देंगे। यहाँ फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। अभी आप देख रहे हैं मसाले बिल्कुल पानी के जैसे लग रहे हैं, और जैसे जैसे ये मसाले भूनते जाएंगे ये तेल छोड़ते जाएंगे और मसाले भी बिल्कुल दानेदार होते जाएंगे और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। इनको पकाने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा। ये देखिए 2 मिनट के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये मसाले एक जगह इकट्ठा हुआ नज़र आ रहा है और बिल्कुल दानेदार है। इसी स्टेज पे मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल दिया है। कसूरी मेथी मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएगी। अगर आप यहाँ नहीं डालना चाहते हैं तो आप लास्ट में भी इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा और हाथ से क्रश करके लास्ट में भी डाल सकते हैं। ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हम यहाँ पे जो हमने चने बॉईल किए थे उसे डाल देते हैं।
इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम टू हाई रखा है और इसे हम 10 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद देखेंगे, देखिए ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, इसका पानी थोड़ा रिड्यूस हो गया है। अब इसी स्टेज पे हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आमचूर पाउडर इसमें डाल दिया है, गरम मसाला इसमें डाल देंगे, हरी मिर्च और अदरक के जो जूलियंस काटे थे उसको इसमें डाल देते हैं, लगभग 1/4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाल दिया है और काला नमक डाल दिया है। काला नमक डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, काला नमक इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है, उसको डालने से ही बिल्कुल जो हलवाई वाली सब्जी होती है उसका टेस्ट आता है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने यहाँ पे ही धनिया पत्ती भी इसमें ऐड कर दी है और हम उसको भी इसमें पकाएंगे, जिससे कि धनिया पत्ती का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए 2 मिनट के बाद इसका ग्रेवी अच्छे से रेडी हो गई है, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और हर एक चने के ऊपर मसाला अच्छे से लपटा हुआ नज़र आ रहा है। हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इसकी ग्रेवी हम इतनी ही रखेंगे, जिससे क्योंकि ये ठंडी जब हो जाती है तो ये ग्रेवी और थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो हम बस इसे ढक के कुछ सेकंड्स के लिए रख देंगे और ये देखिए ठंडी हो गई है ग्रेवी और ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और हर एक चने के ऊपर अच्छे से मसाला लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, अगर आप बच्चों को खिलाने के लिए बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च यूज़ की थी, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही चटपटी बनेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन इससे आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।